की स्थिति खड़ी हो सकती है। वह स्थिति में हिंदुओं का और भारत का हित जिहादी अरब शक्ति पराजित होने में है। जिहादी अरब शक्ति युद्ध में जीतती है तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा और हिंदुओं के लिए भी बड़ा खतरा है, और जिहादी अरब शक्ति इस युद्ध में हमेशा के लिए पराजित हो जाती है तो भारत और गांवों की गलियों में भी जिहादी शक्ति समाप्त हो जाएगी। पाकिस्तान हम समाप्त कर पाएंगे, इसलिए भारत और दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं की मेरी अपील है कि अरबस्तान की जिहादी शक्तियों को खत्म करने वाली शक्तियों को हम पूर्ण नैतिक समर्थन दें। सीधी बात है, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को और इजराइल को हम पूर्ण नैतिक समर्थन दें, इसमें ही भारत की और हिंदुओं की दोनों की सुरक्षा है। यह मेरी भारत और दुनिया भर में फैले हुए हिंदुओं को अपील है, और अब समय आ गया है मतभेद भूलकर हिंदू क्रिश्चियन बौद्ध यहूदी एक होकर इस बार अरबस्तान की धरती पर से ही जिहाद को मिटा दे। मेरा स्पष्ट मानना है, स्कूल और कॉलेजों में हमारे बेटा बेटियां पढ़कर कैरियर बनाने जा रहे हैं, और कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बेटा बेटियां सुरक्षित ना हो, फिर एबीवीपी की है या एनएसयूपी है, तो हमारी बेटा बेटी उनको किसी भी आइडियोलॉजी में जाने का अधिकार है, आइडियोलॉजिकली चर्चा करो। परंतु कॉलेज कैंपस में जाने वाली हमारी बेटा बेटियां सुरक्षित रहे वह भारत का कोई परिवार नहीं चाहेगा, और इसलिए मैं देश की सरकार और सभी राजनीतिक दलों को आह्वान करूंगा कि मिलकर कॉलेज छात्रा छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करो। जिम्मेदार कौन है लगातार इस तरीके के? जिम्मेदार कौन है कभी से 70 साल के बाद भी जिम्मेदार नहीं पता चलता है। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मौत किसने कैसे हुआ और दीनदयाल उपाध्याय ने किसको मारा, भाजपा की इसकी सरकार आने के बाद भी पता चला है। इसलिए जिम्मेदार कौन है वह राजनीति खेलने की जरूरत नहीं। इसमें तो सहमत है ना कि कॉलेज में पढ़ने वाले हमारी बेटा बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए, उनका सर और टूट जाए और टांग टूट जाए, आप चाहोगे क्या? आप चाहोगे नहीं चाहेंगे। ये बंद करो, बेटा बेटियों को पढ़कर कैरियर बनाने दो, उनकी टांगे तोड़वाने का काम कहाँ से करवाने लगे। सर, पाकिस्तान से लगातार यहाँ आफत आ रही है पिछले 8 महीनों से, जो किसान है वो परेशान है टीडी दल को लेकर, जिस तरीके की उनकी अरबों रुपए की जो फसल थी वो नष्ट हो गई है, तो आप क्या देखते हैं इसके लिए, क्या मोदी सरकार पूरी कार्रवाई नहीं कर रही या कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान तीर भेजता है तो हम अपनी सेना भेजे, सीधी बात है। हम सेना नहीं भेजे, अगर कंप्लेन करके पाकिस्तान तीड़ भेजता है सेना भेजो ना, तीड़ के उत्तर भी ठिकाने लग जाएंगे, और किसानों को फसल नष्ट होती है तो मुआवजा देने का काम गुजरात में भी सरकार करे और राजस्थान में भी करे। एक भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की है, एक दूसरे को दूस देते हैं। गुजरात की सरकार कहती है राजस्थान सरकार ने तीड़ भेजी, अरे भाई तीड़ पाकिस्तान ने भेजी, प्रधानमंत्री को कहो वहां सेना भेजे, या कांग्रेस की सरकार है इसको ब्लेम करते हैं, या भाजपा की सरकार होती है तो किसको ब्लेम करते हैं।